नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि SBI योनो का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, जिसे PAPL लोन भी कहा जाता है, वो आपको दोबारा कब मिल सकता है। जैसे कि मुझे मिला है, मुझे भी 10 महीने बाद बैंक ने दोबारा ये वाला लोन ऑफर किया था। आइए मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि हमारे मन में इसकी जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी एक एल्गोरिथम है नहीं, ना कोई एक कोई फंडा है कि आपको इसी वजह से मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप करोगे तो शायद आपको मिल सकता है लोन बड़ा इजीली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि PAPL लोन 25,000 से 8 लाख के बीच में मिलता है। किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, ब्रांच विजिट की ज़रूरत नहीं होती, और इंस्टेंटली आपके सेविंग अकाउंट में ये पैसा आ जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने पहला जो लोन लिया था वो लिया था 21 जनवरी को 25,000 का PAPL से, और उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था। फिर उसके बाद जब मैंने पहला लोन बंद कर दिया तो मुझे दूसरा लोन 7 दिसंबर 2021 को ऑफ़र हुआ, यानी कि लगभग 11 महीने बाद मुझे दोबारा PAPL का ऑफ़र मिल गया। लेकिन PAPL का ऑफ़र आपको हमेशा योनो नोटिफिकेशन में मिल जाता है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि योनो नोटिफिकेशन और SMS करके भी आप पता कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि ये PAPL का ऑफ़र मुझे दोबारा क्यों मिला। एक तो है कि मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, मैंने किसी तरह का कोई भी एक भी EMI किसी भी बैंक में डिफ़ॉल्ट नहीं करी है। दूसरा कि मैं सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन मेरे सेविंग अकाउंट SBI के सेविंग अकाउंट से करता हूँ, जिससे सिस्टम ट्रैक रख सकता है कि ये सारे जेन्युइन अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं और जो डेली के नीड्स के लिए होते हैं। मेरे जितने भी एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उन सब की मैं रेगुलर EMI पेमेंट करता हूँ। ये मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ कि किसी भी EMI में किसी तरह का कोई डिफॉल्ट ना हो। जितने भी मेरे यूटिलिटी बिल पेमेंट है वो सब मैं मेरे SBI के सेविंग अकाउंट से ऑनलाइन माध्यम से करता हूँ, या फिर UPI यूज़ करता हूँ। मैं कभी कोई दूसरा अकाउंट यूज़ नहीं करता। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब चीज़ों का हिदायत रखोगे तो आपको भी PAPL लोन दोबारा बड़ा इजीली और आसान तरीके से मिल जाएगा, और पहले नहीं मिला हुआ तो भी अब मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।